बैठ के ताड़ रहे हैं, कब किधर से झापड़ पड़ जाए कह नहीं सकते। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज आप लोग को लेके चलूंगा मादरकोंटा केव, जो कि ना बहुत ज्यादा हिडन प्लेस है और दोस्तों यहाँ पे ना ज्यादा लोग नहीं जाते। साथ ही साथ दोस्तों आपको लेके चलूंगा मैं चित्रकूट तीरथगढ़ वाटरफॉल, जो कि इन दिनों काफ़ी टूरिस्ट जाते होंगे। फिलहाल तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं जा रहा हूं, तो कह नहीं सकते कि वहां का प्लेस कैसे होगी। और दोस्तों मादरकोंटा ना पहली बार जा रहा हूं, वहां का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा किस तरीके से है, और वहां पे शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते और वो देहाती एरिया में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो को और आपको ना लेके चलते हैं गाइस केव की तरफ। चलिए 5 मिनट्स लेटर जाएंगे और ना केव का बाहर के नज़ारे देखेंगे। अभी खूबसूरत हो रखे हैं भाई, यहाँ पे बहुत देर यहाँ पे रहे हैं और जो लोग रील वील बनाते हैं उन लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है। इधर से हम लोग को ट्रेक करना है, चलते हैं। बाकी इधर फोटोग्राफी चल रहा है, इधर पूरा बड़ी बड़ी पहाड़े हैं यहाँ पे, है ना। सूर्यदेव मेहरबान क्या करे इंसान, पुलिया तब काम आता होगा जब नीचे से पानी जब भर जाता होगा ना, तो उसको गाँव वाले ऊपर से क्रॉस करते होंगे। जहाँ देवन गाड़ी चलाया था लग रहा है यहाँ। A few moments later. गाइस इस पुल में से ना जाके ना हम लोग जा रहे हैं नीचे से, क्योंकि ये जो पुल है थोड़ा सा डैमेज है। जो बांस है ना, बड़े बांस है, जो कि इसके मजबूती की बात की जाए तो ये बहुत कमजोर होती है, जो घर में उगाया जाता है। बाकी हमारे साथ ही ट्रैक करके आ चुके हैं। यहाँ देखिए इतना निश्चल स्वच्छ जल यहाँ पे है ना, खारी पानी होगा भाई, बहुत ही खूबसूरत, इतना मधुर धुन आ रहा है ना। अग्नि परीक्षा ना यहाँ से शुरू होने वाला है, सीढ़ी दर सीढ़ी पत्थरों से होते हुए जंगलों की पहाड़ों में चढ़ेंगे अभी हम। आने के मार्ग ऐसा लगा इसको पहले से गोदाया ऐसा लगा, और चढ़ते चढ़ते निकलना चालू हो चुकी है यहाँ से। यहाँ पे नेचुरल कुर्सी मिली हुई है एकदम शानदार सा, और है ना, और पत्थर का बनावट कुछ अलग ही लेवल का है ना। इसको देख के लगता है कि इधर से हवा गुजरा हुआ, पानी गुजरा हुआ, ऐसा टाइप का। वाह, हेलमेट बना से सीढ़ी उड़ी बन गया, अभी रिस्क नहीं है। पहले ऐसा था, कहाँ अंदर में दिखा, पहले इस टाइप से था। दिखाओ, ये हम अंदर देख रहे हैं गुफा के अंदर, मोबाइल सही अंधेरा। तीन साल पहले ऐसे दिखता था, अभी अच्छा। गेट लगा दिए। करील का बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ पे, पता नहीं इसके बारे में तो यही बता सकते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। सो गाइस यही वाला गुफा में ना घुसने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपया देना होगा। इसी साथ अगर यहाँ पे खिलवाड़ करते ना तो चार्जेस देखो भाई, गुफा के अंदर तोड़फोड़ ना करें ऐसा करने पे 5,000 का जुर्माना। अजीब सी बात है, इतना हाई चार्जेस ले रहे हो, साथ साथ जुर्माना का 5,000 ले रहे हो, 100 रुपया में क्या दे रहे हो। रेट ना कम होना चाहिए, क्योंकि आसपास के जो ग्रामीण इलाके के अंदरूनी क्षेत्रों के जो लोग आते हैं ऐसा जगह देखने को, तो भाई 50 और 100 रुपये एक दिन का मजदूरी दर के 100 रुपये ले लेंगे तो क्या घूमेगा, खाएगा क्या, घूमेगा क्या। ऊपर में क्या है, क्या देखने को मिला, पहाड़ दिख रहा है, दृश्य है ऐसा। चीता बालू तेंदुआ ना निकल जाए, बात तो सही है, भागते ना रास्ते कम पड़ जाएंगे। 5 मिनट्स लेटर मेरा नाम मनोज है, मैं आया था तो यहाँ सड़क वड़क नहीं था, रोड में गाड़ी खड़ा करना पड़ता था, 300 मीटर जैसे पैदल चल के खेते खेत डंडियों के रास्ते में आना पड़ता था, तो रास्ता बन गया दिख रहा है। पहले झाड़ी बहुत रहता था, वैसे गांव वाले जैसे गाय बैल रहते वो सब चलते थे, तो वही रास्ता बना हुआ, पतले पतले रास्ते थे। तो और गुफा में अभी गेट आपने देखा होगा, गेट लगा, गेट लगा लोहा का, लोहा का, उस समय गेट नहीं था, अभी कुछ देर पहले आपने मोबाइल में भी देखा होगा जिसे खुला था, हाँ वैसे ही खुला था। मैं आया था 2018 में, फर्स्ट टाइम ये सेकंड बार है आपका? हाँ मेरा सेकंड बार है, उस समय तो रोड भी नहीं थी, नहीं था। जब आप फर्स्ट बार आए तो गुफा में लाइट सुविधा थी कि अंधेरा में ऐसे ही जा रहे? नहीं, हमने खुद का सुविधा टार्च लेके आया था, फ्री था, ऐसे ही लड़के लोग थे गांव के, हाँ उन लोगों को बोल देते थे, टूरिस्ट में गाड़ी चला रहा था मैं। अच्छा, तो वही 100 रुपया अभी चार्ज है पर व्यक्ति, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सही बात, ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, आपको भी लगता है ना सही होना? हाँ ये बिल्कुल होना चाहिए कम, और इतना महंगा कोई आम आदमी आएगा तो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, क्या बोलता हूँ, होना चाहिए। 5 मिनट्स लेटर
यहाँ पे बंदर है, वनराज सेना है। आओ वानर सेना की दल पीछे पूरे यह है कुटुम सर जाने वाली मार्ग कांकेर वैली, और ये जो रोड है ये जाता है सुकमा को कनेक्ट करता है। 5 minutes later. So guys, finally ना हम लोग तीरथगढ़ वाटरफॉल पहुंच गए, साथ ही साथ गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी है। यहीं पे नेचुरल ड्रिंक देखने को मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी है ना हमारे साथी ना आगे चल चुके हैं। तो चाहे दुकान तो देख रही हो एकदम की अपेक्षा ना, इस बार थोड़ा अपग्रेडेशन की चार्जेस की बात करें ना तो गाइस लगी हुई है 50 रुपये। तो जगदलपुर से ना 40 किलोमीटर की दूरी के समथिंग होगा। नहीं दबाया दर्जन है, कितना है? 60 रुपया दर्जन। देसी केला है दोस्त 100 रुपया। ये कुछ तो सेम। तीरथगढ़ में ना खाने पीने की चीज़ें ही नहीं मिलती, साथ ही साथ सब्जियां भी मिलती है। इससे पहले ना ये सब देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार लगता है गांव वाले भी यहां पे अपना सामान बेचने ला रहे हैं। और यहां पे दोस्तों बम्बू चिकन भी बनती है। 40 40। देखो ले लिए प्रसाद के लिए बड़ा बड़ा वाला कद्दू, इधर भाई लिया दो टन है ना। तो टीम उधर सामान गाड़ी में रखने को जा रही है, और यहाँ पे सेमी को लेके बहुत तालाब चल रही थी। कितना है दादा खाना प्लेट? हाँ वो साफ के बताओ 70 रुपया प्लेट मिलेगी दाल चावल ना। हाँ, देसी पर्यटक को 150 रुपया देना पड़ रहा है। टूरिस्ट होते हैं जो बाहर से आते हैं ना, फ्रांस इंग्लैंड जापान, उन लोग को देना पड़ेगा 150 रुपये, लगभग 6, 12, 6, 18, 1.5 डॉलर के। हमारे के नज़ारे तो देख ही रहे हो, इतना जो बस्तर में देखने को मिलती है। चिड़िया है, सुनाम वाला परसा है, परसा है ये, है ना ये देख, ये पूरा हैंडमेड है। 150 जोड़ी क्या बांसुरी है क्या? हाँ। बजता है बांसुरी है, बज रहा है, बज रहा है, आवाज आ रहा है, बढ़िया है ना, बढ़िया। तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें हैं जो लोकल लोग मेरे ख्याल से इसे क्राफ्ट करते होंगे। इसका भी कोई जनक होगा, कोई ट्राई मारा होगा तभी इसको बाहर में पब्लिक किए है ना। बाकी डाली देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत डाली है, गुलदस्ता रख सकते हैं मेरे ख्याल से, मोबाइल रख सकते हैं ना इसमें, मोबाइल। ये भी पूरा हैंडमेड, हैंडमेड बांस, बांस से बनी हुई कलाकृति है, पेंट के द्वारा, पेंट के द्वारा बनाया गया। और ये पूरी देख रहे छोटे छोटे, ये पूरे बांस है, बांस है। और इसके बाद धागे द्वारा इसे बनाया गया है। क्या प्राइस भी है इसका? 220। लोकल लोग चल रहे हैं। फाइनली हम लोग वाटरफॉल देखने के लिए, इधर रेस्ट हाउस है दोस्तों तीरथगढ़ का, चेक हो रहा है। पिछले दफा जब आए थे ना यहाँ पे चेक नहीं होती थी सर, चेक कराई दो, टिकट चेक किया जाता है, यहाँ से बिल पास होगा आपका, बिल पास होगा। अभी समय निर्धारित है ना, कितना बजे खुलता है कितना बजे नहीं। समय है गाइस 7 से 6 बजे तक, उसके बाद मत जाना, अंधेरा हो जाएगा, क्या ही देखोगे। बंदरों से सावधान रहें, कुछ खाने पीने का ना दें, मोबाइल कपड़े छीन के भाग सकते हैं। आज इतनी भीड़ भड़ाका है, इतना भीड़ भड़ाका है, थोड़ा इधर में नीचे पहुंच जाएंगे। बंदर महाराज लोग भी इस खूबसूरत वाटरफॉल का ना लुत्फ उठा रहे हैं, और साथ साथ देखो भाई बहुत फील कर रहे हैं लोग वहाँ पे कि भाई इस बार बढ़िया देखने लायक है ना। चलो 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 मेरे साथ, इतना ऊँचाई में ना क्या ही बोलूँ, मतलब भाई 300 फीट ऊपर होता है। जब हम आए थे ना एकदम भरी मानसून में आए थे, इधर पूरा पानी भरा था। बाकी गाइस आप ना इधर भी जा सकते हैं, इधर भी गहरा रहता है। इस बार ना इधर ना रिबन उबन बांध दिए, देख सकते हो इधर पे ऐसे है ना, ये एंजॉय कर रहे हैं गाइस है ना। आ रहा है क्या? बढ़िया जबरदस्त। वानर सेना यहाँ पे पेड़ पे खड़े होके बैठ के ताड़ रहे हैं, कब किधर से झापड़ पड़ जाए कह नहीं सकते। इधर से चढ़ते जा रहे हैं, और ये पास वानर सेना नारियल का आनंद लेते हुए फिर भी पूजा पाठ कर सकते, गणेश भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते। गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, ये देखो वाह वाटरफॉल दिखता है यहाँ से लेके ना पूरा ये वाटरफॉल दिखता है। आप अगर वाटरफॉल देखने आना चाहते हो तो जनवरी फरवरी तक बढ़िया रहता है, सुन के बाद आइएगा, मस्त देखने को मिलेगा। खड़ी चढ़ाई, पहले भी मंदिर था और अभी भी माता जी का मंदिर। यहाँ का पानी जो है ना एकदम तेज़ बह रही है,
उधर भी वो लोग डेंजर जोन में दोस्तों, पास काफी ज्यादा पानी आ रही है, फिसलन एरिया है, वहाँ पे गिर गया तो बचाने वाला कौन ही आएगा। मनमोहक दिन और साथ साथ दूध की धारा बह रही है, ऐसी महसूस हो रही है, जागृत है। ओ भाई साहब ऊंचाई देखो, तीरथगढ़ वाटरफॉल को पूर्ण तरीके से घूम लिया है, अब ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जैसे भी हो मचाते रहो।